हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन क्लास 11 ज्योग्राफी. दिस इज़ चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 5 काइंड ऑफ वेजिटेशन. फर्स्ट एवरग्रीन, सेकेंड डेसीडियस, थर्ड थॉर्न, फोर्थ मैंग्रोव एंड फोर्थ वन माउंटेन फॉरेस्ट, एंड दिस इज द लिटोरल और स्वाम्प फॉरेस्ट, और वी कैन से द मैंग्रोव फॉरेस्ट. So let's start the topic. Mangrove forest or swamp forest means those forests which can found in the deltic region. यानी जो forest area हमें deltic region में मिलता है उसे हम mangrove या littoral या swamp forest कहते हैं. So India has a rich variety of the wetland habitat. Wetland means the marshy areas called as wetland. Near about 70% of the comprised area under paddy cultivation. Paddy means rice. यानी जिस एरिया में राइस कल्टीवेशन होता है उसका मैक्सिमम एरिया कैसा है, वेटलैंड है. सो द टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड इज नियर अबाउट 3.9 मिलियन हेक्टेयर. टू साइट्स चिलिका और केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड इन द भरतपुर और घना पक्षी विहार, इट इज ऑल्सो नोन एज, आर प्रोटेक्टेड एज वाटर फ्लो हैबिटेड अंडर द कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस. यानी कि दो वेटलैंड एरिया जो साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक तो चिलिका लेक उड़ीसा में है एंड द सेकेंड इज केवलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान भरतपुर. द कंट्री वेटलैंड हैव बीन ग्रुप इनटू 8 कैटेगरीज. कंट्री के अंदर जितने भी वेटलैंड एरियाज हैं उनको हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज 8 कैटेगरीज. फर्स्ट द रिजर्वर ऑफ द डकन प्लेट्यू, सेकेंड द वास्ट सेलाइन एक्सपेंस ऑफ राजस्थान गुजरात, थर्ड फ्रेश वाटर लेक एंड रिजर्वर ऑफ गुजरात, फोर्थ द डेल्टा वेटलैंड एंड लेगून ऑफ इंडियाज कोस्ट एरिया लाइक चिलिका इन उड़ीसा, देन द फ्लड प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र सिक्स वन, देन सेवन्थ द लेक एंड रिवर्स ऑफ माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, एंड द एट्थ द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द अदर वेटलैंड ऑफ आइलैंड आर्क ऑफ अंडमान एंड निकोबार. अंडमान निकोबार के जो आर्क है उसके चारों तरफ के मैंग्रोव फॉरेस्ट. सो मैंग्रोव ग्रो अलोंग द कोस्ट इन द सॉल्ट मार्शेस. यानी कि जो कोस्टल एरियाज में सॉल्ट मार्शेस हैं, छोटी छोटी बुशेस टाइप हैं, उनके पास में डेवलप होते हैं. टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट एंड एस्चुरीज. यानी जनरली मैंग्रोव कहाँ पर ग्रो होते हैं, जहाँ सॉल्ट मार्शेस होती हैं. टाइडल क्रीक्स यानी टाइड्स जिन एरियाज में आते हैं, जो क्रीक्स एरियाज होते हैं जहाँ पर टाइड के इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें आते हैं. मड फ्लैट्स यानी कि कोस्टल एरिया पर जहाँ मड फ्लैट मड डिपॉजिट होती है वहाँ पर आते हैं, और जहाँ रिवर्स एस्चुरीज बनाती हैं लाइक नर्मदा एंड तापी, इन एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी होती है. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द मानसून फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट, देयर रूट्स ऑल्सो सबमर्ज इन द वाटर. द मैंग्रोव फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज ऑफ इंडिया. यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट में इंडिया की सबसे ज़्यादा सॉल्ट जो टॉलरेंस कर सकते हैं, दैट्स वाई दे लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया. क्योंकि आपको पता है कोस्टल एरिया का वाटर कैसा वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है. सो ये वो स्पीसीज हैं जो सैलिनिटी या सॉल्ट वाटर की टॉलरेंस भी इनमें होती है. क्रिस क्रॉस्ड बाय क्रीक ऑफ स्टेगनेंट वाटर एंड टाइडल फ्लो, दीज फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स. यानी जहाँ जहाँ क्रिस क्रॉस क्रीक्स होती हैं, क्रीक्स एरियाज होते हैं, यानी इंटरनल क्रैक एरिया होते हैं रॉक्स में, कोस्टल एरिया में, वहाँ ये वेजिटेशन शेल्टर के साथ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स को भी हैबिटेशन प्रोवाइड करती हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, द मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 6,740 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 7% ऑफ द वर्ल्ड टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया. यानी पूरे वर्ल्ड के टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट की एरिया की बात करें तो इंडिया में 7% मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है. दे आर हाईली डेवलप्ड इन द अंडमान एंड निकोबार, बिकॉज एज यू नो अंडमान निकोबार रिसीव द हैवी रेनफॉल मोर देन 200, सो द एरिया इज एग्जिस्टेंस इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल. सो देर आर टू इम्पॉर्टेंट एरिया. फर्स्ट इज सुंदरबन डेल्टिक रीजन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज अंडमान निकोबार फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट.
अदर एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस आर द महाद्वीप गोदावरी कृष्णा डेल्टा, यानी जितने भी रिवर्स के डेल्टा हैं वहाँ ये मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट टू आर बींग एनक्रोच्ड अपॉन एंड हेंस नीड कंजर्वेशन। इन फॉरेस्ट को भी धीरे धीरे हम एनक्रोच कर रहे हैं, यानी कटिंग डाउन कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पज सॉल्व कर रहे हैं, तो इन फॉरेस्ट को भी हमें कंजर्व करने की नीड है। थैंक यू।